सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज कसरावद में, क्षेत्र की जनता से होंगे रूबरू। छोटी बड़ी सभाओं के जरिए गिनाएंगे प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। शाजापुर में कांग्रेस की बैठक में भड़के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, दावेदारी को लेकर नाराजगी जताई, बैठक छोड़कर बाहर निकले बावरिया। कोलारस में महिला से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की धुनाई, भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। छत्तीसगढ़ में सातवें दिन भी हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मी, राष्ट्रपति पीएम और सीएम को खून से लिखा खत, अब तक 43 कर्मचारी हो चुके हैं बर्खास्त। रतलाम के आलोट में गवर्नमेंट कॉलेज में एनएसपीआई ने किया धरना प्रदर्शन और नारेबाजी, कॉलेज के अतिथि शिक्षक पर लगाया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एजेंट का आरोप, प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंप कर दी आंदोलन की चेतावनी। ग्वालियर में लंबे इंतजार के बाद झमाझम बरसा पानी, निचली बस्तियों में भराया बारिश का पानी, जिनसी नाले पर 3 से 4 फीट पानी होने से आवाजाही बंद, लोगों में फूटा गुस्सा। बीजापुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बंद, एक हफ्ते बाद भी नहीं हटाए गए पेड़, बिजली और वन विभाग पर अनदेखी का आरोप। इधर भिंड में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, बरसात के लिए भगवान को खुश करने का दौर शुरू, हवन पूजन के साथ सोने टोटके का ले रहे सहारा। होशंगाबाद में महिला अपराध रोकने के लिए पुलिस की नई पहल, शहर के स्कूल कॉलेज में लगाई आपकी पार्टी पुलिस की साथी नाम से शिकायत पेटी, छात्राओं से कहा निर्भय होकर करें शिकायत, सुझाव भी दें। और राजधानी भोपाल में मनाया गया 158वां इनकम टैक्स डे, आयकर विभाग ने किया दौड़ का आयोजन, कई प्रतिभागियों ने लिया भाग, इनाम भी पाया।